कर ली, क्या करेंगे हम लोग पार्ट टू सॉल्व करने आ रहे हैं। पार्ट टू, अब नीचे हम सम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव से। अब पार्ट टू हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव से। 3x-3x² -12x4+x³ / 2x + x² ये हमें सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए कल मैंने जैसे जैसे आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को मैंने बताया था कि आप लोगों को असेंडिंग फॉर्म में जैसे फोर्थ रूट, थर्ड रूट, सेकंड रूट, थर्ड रूट जो है यहाँ पर ये ठीक जिस तरीके से फोर्थ थर्ड है इन सबको क्या करना है, हमें सबको असेंडिंग फॉर्म में कैसे लेना है, इनको असेंडिंग फॉर्म यानी बढ़ते क्रम में लेना। ये देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, एक्स फोर्थ है और फिर एक्स क्यूब है ये, उसके बाद एक्स स्क्वायर आया 3x², उसके बाद जिसमें कुछ नहीं हो रहेगा प्लस 3x रहेगा। पर दोस्तों कभी भी ना जो साइन है साइन आप वही रखो, साइन चेंज नहीं करोगे। और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास -12, क्योंकि देखिए इसमें एक भी अल्फाबेट नहीं है तो ये जीरो रहेगा। देखो 4, 3, 2 कुछ थे तो 1 और जब कोई अल्फाबेट नहीं क्या रहेगा जीरो रहेगा। तो 2 + x² इस तरीके से हमें सम को सॉल्व करना है। बट इसको भी हमें चेंज कर एक्स को हमें आगे लेना पड़ेगा, 2 को बाद में लेना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से करेंगे x² + 2 और दोनों प्लस प्लस से दोनों प्लस में रखा। अब मुझे इस एक्स स्क्वायर से मुझे एक्स फोर्थ लाना है, यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर से तो क्या होगा, ये एक्स 2 + 2 कितना होगा मेरा, एक्स फोर्थ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक्स फोर्थ हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके देखो फिर मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर रखूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा एक्स फोर्थ आ जाएगा और डिवाइड इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का माइनस करना पड़ेगा। अभी जिसको मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है सेम उसी को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × x² कितना होगा, 2x² हो जाएगा। ये देखिए 2 × x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब देखिए अभी ये स्क्वायर है 2x², तो मैं स्क्वायर को कहाँ रखूंगा, जहां पर ये सब में जहां पर स्क्वायर है जैसे स्क्वायर के नीचे रखूंगा। ये देखिए यहां पर और प्लस में है ये प्लस 2x². अब देखिए क्या होता है, साइन डिवाइड तो क्या होगा, साइन चेंज हो, प्लस में तो क्या होगा ये माइनस। अभी x² खत्म, ये बच गया ये x³ ऐसे रखेंगे। अब ये देखिए ये प्लस, देखो प्लस तो गया तो माइनस माइनस प्लस रहेगा। सो 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। पर बिगर नंबर साइन बड़ा नंबर कौन है, 3 है, 3 का साइन क्या है माइनस है, तो -5x² माइनस क्या होगा, -5x² होगा। सो प्लस 3x प्लस 3x बच गया और -2y जो बचा उसको सेम टू सेम नीचे उतार लिया हमने। देखिए जो वैल्यू आई गई ना उस वैल्यू के नीचे, जैसे स्क्वायर का अभी क्यूब पर लिया जैसे मैं क्यूब को मैंने ऐसे ले लिया, वैल्यू मुझे स्क्वायर का जैसे मैंने इस वैल्यू को स्क्वायर के नीचे लिया। अब सॉल्व करते हैं, अब हमें क्या लेना है x³ का लेना, मुझे x³ लाना है। तो भी ये x² को अगर देखिए, अगर x² को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सिंगल x से तो x² × x³ हो जाता है मेरा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्लस में जैसे प्लस x रख देता हूँ मैं, तो x² मल्टीप्लाई कर x तो x³ हो जाएगा तो -x³ हो जाएगा। अब उसको एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × x 2x हो जाएगा। तो 2x यानी कि उसमें कोई भी उसमें स्क्वायर नहीं है तो हमें 2x, तो यानी कि सिंगल 2x यानी क्या होता है हमारे पास सिंगल x, सॉरी क्या करना पड़ेगा इसको सिंगल x नीचे रखना पड़ेगा। तो देखिए प्लस में आते प्लस 2x रखना पड़ेगा, पर देखिए डिवाइड नीचे साइन चेंज होगा माइनस। तो देखो ये x³ खत्म, ये -5x मेरा एज इट इज नीचे आ जाएगा, -5x² नीचे आ गया। अब देखिए दोस्तों ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में से 2 का कितना बचेगा, 1 बचेगा। पर बड़े नंबर साइन क्या है प्लस है ना, तो प्लस क्या बड़ा देखो 3x - 2x तो 1x, तो 1x ऐसे लिखना है हमें और -12 हमें एज इट इज नीचे लिखना है। अब देखिए अब करना क्या है मुझे, इस x² से मुझे लाना है -5x² तो अगर मैं ये देख लो अगर मैं ये x² को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -5 से तो 5 × x² 5x² हो जाएगा और ये माइनस है तो ये देखिए माइनस का माइनस आ जाएगा, -5x² हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस में ना क्या करूंगा, इसको मैं -5 से मल्टीप्लाई करूंगा और जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा मेरे पास, ये -5x² आ जाएगा।
और दोस्तों सभी को पता है कि डिवाइड में क्या होता है, साइन चेंज होता है कि माइनस में क्या होगा मेरा ये प्लस हो गया। अब देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2 5 10, 2 5 क्या होगा 10 होगा, पर माइनस में इसलिए -10। देखो इसमें 10 आया, 10 के साथ कोई अल्फाबेट है क्या, नहीं, तो जहां पे अल्फाबेट नहीं इस 10 को मैं वहां रखूं, तो अल्फाबेट यहां पर नहीं है तो क्या होगा -10। पर क्या है हमारा ये तो हम लोग का है डिवाइड, नीचे साइन चेंज होगा, माइनस का क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो देखिए अभी माइनस प्लस माइनस 5 कर दिया। आप लोग बोलोगे दोस्तों यहाँ पे चेंज नहीं किया तो और भी देखिए, ये तो ऑलरेडी मैं प्लस में था तो मेरा माइनस हो गया था, ये अभी देखिए माइनस प्लस माइनस 12 में से कितना बचेगा 2, पर बिगर नंबर साइन -2 और ये गया, तो ये बच गया हमारा प्लस एक्स। तो दोस्तों देखो अभी हम इसके आगे नहीं जा पाएगा बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और नीचे सिंगल एक्स है, तो अभी हम इसके आगे नहीं जा पाएगा। तो आंसर में आएगा हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 और रिमाइंडर आता है हमारे पास एक्स और ये -2। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम खत्म होता है। अगर आप लोग लिखना है जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो दोस्तों अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए फोर्थ माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 द ब्रैक डिवाइड बाय ए क्यूब माइनस 2। तो दोस्तों देखिए इसमें एक चीज सिंपल कर दे कि हमें ये जो सब असेंडिंग ऑर्डर में करके रखा है 4 3 2 a 1 सब हमें इस फॉर्म में करके रखा है। ए फोर्थ माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 ए क्यूब माइनस 2। अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब ए क्यूब है, अब मुझे इससे करना है ए फोर जाना है, तो ए क्यूब माइनस अगर मल्टीप्लाई ए करता हूं तो क्या होगा मेरे पास ये ए फोर्थ में आएगा। तो मैं यहां पे ऊपर का लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा मैं इसको ए सिंगल में करूंगा, ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए फोर्थ, पर डिवाइड क्या होगा साइन प्लस में करने पड़े माइनस करना पड़ेगा। अब सेम 2 को भी मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा ए से, तो 2 into a 2a हो जाएगा, पर माइनस में इसलिए -2a, अब -2a आएगा, ए यानी कि क्या होगा इस पे कुछ नहीं सिंगल वाला है, सिंगल अब सिंगल वाले को से क्यूब में है ये स्क्वायर में सिंगल वाला ये है, तो -2a यहां पर आएगा क्योंकि माइनस में था ये, अब अगर डिवाइड तो माइनस आएगा यहां पर प्लस हो जाएगा। ये देखिए a4 खत्म, -a³ यहां पर आ जाएगा प्लस a² ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस 2a में से अगर 1 गया कितना बचेगा सिंगल ही बचेगा, ये देखिए ना -2a और a, तो प्लस अब माइनस हो गया हुआ है 2a में से अगर 1 गया कितना बचेगा फिर a बचेगा, पर यहां देख लीजिए बिगर नंबर से किसका साइन है ये बड़ा नंबर, 2a क्या साइन है 2a जो है बड़ा नंबर है, इसका साइन क्या प्लस है, मतलब प्लस में a लेना पड़ेगा और प्लस 1 में इसको नीचे ऐसे रख दूंगा। अब देखिए अब मुझे जाना है ए क्यूब, क्या जाना मुझे ए क्यूब, पर इसमें माइनस में तो क्या करेंगे माइनस ए माइनस 1 क्या करूंगा माइनस 1 बिकॉज ऑफ मेरा पहले से ये ए क्यूब है, पहले से क्या मेरा ये ए क्यूब है, तो देखो अगर ए क्यूब पहले से ये मुझे वापस ए क्यूब ही जाना है तो मैं मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो मेरा ए क्यूब ही आएगा, और यहाँ इसमें यहाँ माइनस में था जैसे माइनस लिखा तो माइनस ए क्यूब और डिवाइड साइन चेंज होगा माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस और फिर देखिए 2 1 2 2 1 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का रखो देखो 2 कहाँ है इसके कोई अल्फाबेट है क्या, नहीं, तो देखिए यहाँ पे अल्फाबेट नहीं है वहां रखेंगे इसको, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया, पर क्या होगा डिवाइड साइन चेंज करना पड़ेगा। अभी ए क्यूब अभी माइनस ये माइनस हमें हटाना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस ए क्यूब खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा है ए स्क्वायर बचा, ये ए ऐसे बचा, अभी देखिए प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, पर बिगर नंबर साइन का बड़ा नंबर 2 है, 2 का साइन का माइनस है इसलिए माइनस 1 लिखेंगे। अब देखिए ये ए क्यूब है और नीचे ए स्क्वायर है तो ये सम हो पाएगा इसके आगे, नहीं, तो सम को हमें यही रोकना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आया हमारे पास ए माइनस 1 और रिमाइंडर।
मेरे इस पे लिख दो, इस पे मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं, यहां पे a स्क्वायर प्लस a माइनस 1, यहीं पे हमारा सम खत्म होता है। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन नंबर 7 तक है, मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 5 और 6 में आके दिया हूं, आप लोग इसी मेथड करना, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को आ जाएगा, और नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 बना करके सेंड करो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।